ठीक है हो गया। विशाल राजपूत, इस बार तो आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, मैं कहूँ तो प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि पूर्वांचल की सीटें ये हैं जहाँ पर आज वोटिंग हो रही है, पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा है। क्या डर है या फिर लग रहा है कि स्थिति बेहतर हुई है और होगी 2014 की अपेक्षा? कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल, ये कांग्रेस पार्टी कोई एक दो दिन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो कई सौ वर्ष पुराना इतिहास तो कितने लंबे वक्त तक दिखता ही नहीं है। आपका इतिहास है उत्तर प्रदेश में, आपका तो फिर सियासी जमीन को क्यों खोज रहे हैं, क्यों हालत खस्ता है? देखिए, हालत खस्ता ना खस्ता वो अपनी पार्टी की विचारधारा की बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जानिए कांग्रेस पार्टी क्या है। और जहाँ तक रही कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी है जो 2009 में इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभर चुकी है, खत्म होने वाला। सवाल क्या है? सवाल है पूरा दम लगा के अपना काम किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बेसिकली तीन चार मुद्दों पे लड़ा गया है और ये जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा किसानों की हालत, तीसरा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का पर्सन टैक्स से हिंदुस्तान की शक्ति का अर्थव्यवस्था, भैया शांत हो जाए, अर्थव्यवस्था का नुकसान किया उस पर, और चौथा भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी, ये मुद्दे थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई, नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि प्यार जीतने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वो तो देखिए, मैंने कहा जनता मालिक है, जो जनता डिसाइड करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जनता हमारी मालिक है, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। कितनी सीटें आएंगी वो जनता डिसाइड करेगी। मार्केट गैंग के बारे में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं।